हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज चैनल। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं। चलिए कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो लौकी ली है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, और 4 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको बारीक कट कर ली है। ये बेसन लिया है कोफ्ते के लिए, और ये ग्रेवी के मसाले हैं, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, और ये है धनिया, हरा धनिया लिया है, 2 टोमेटो लिया है, इसको हमें पीसना है बारीक, और हरी मिर्च 4 ली है, गार्लिक है, अनियन ली है 1, इसको हमें अनियन टोमेटो और ग्रीन चिली, ये तीनों को हमें बारीक ग्राइंड करना है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं, और ये जो लौकी है इसको हमें अच्छे से छील के पहले कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको छील लिया अच्छे से, और ये इससे हमें इसको कद्दूकस कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें करना है, तो सारे हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा अच्छे से बारीक इसको कद्दूकस कर लिया है, और इसको हम इसमें जो पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इसको पानी हम निकाल लेते हैं, पहले हाथों से इस तरह से दबा के इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से दबा के हम सारे पानी निकाल लेंगे, इसको बिल्कुल सूखा करना है हमें। ये देखिए मैंने सारे हाथों से दबा के इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है, बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा पानी है इसमें भी, और ये जो पानी बचा हुआ है, इसका पानी निकला था, इसको हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, बहुत हेल्दी होता है ये पानी। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसको इसमें डाल देते हैं, और ये जो हमने बेसन लिया था इसको भी इसमें डालते हैं। 4 टीस्पून मैंने अभी डाला है बेसन, और ज़रूरत होगी तो उसमें मैं और ऐड कर दूंगी, और ये जो मैंने हरी मिर्चें रखी थी इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, और ये जो मसाले धनिया काली मिर्च नमक ये सब भी इसमें डाल देते हैं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर धनिया डाल देंगे, हरा धनिया, और इसमें मैंने घी आपको दिखाया नहीं था, ये मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बेसन की ज़रूरत और होगी तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, वैसे इतने बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी पानी है, तो थोड़ा सा हम बेसन और ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है कि इसमें लौकी में बहुत ही पानी होता है। तो ये देखिए बस इतना ही हमको करना है, और बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है, तो इसकी इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, और तब तक पैन रखते हैं ऑयल गर्म होने के लिए। तो चलिए देखिए मैंने पैन रख दिया था, ऑयल भी गर्म हो चुका है, और इसमें हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं इस तरह से डाल के, सारे कोफ्ते इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं गर्म होना चाहिए। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं, और इसको हम फ्राई होने देंगे अच्छे से, जो पहले डाले थे वो नीचे से हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम पलट देते हैं। ये कोफ्ते खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, वैसे तो लौकी पसंद नहीं करता कोई, लेकिन जब आप कोफ्ते बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और मैंने इसमें घी ऐड की थी, अगर आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। तो इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं सबको।
ये देखिए मैंने सारे पलट दिए हैं, और इसको फ्राई करते वक्त थोड़ा गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, बीच बीच में हल्का सा फुल करते रहें ताकि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। और इससे क्या होता है कि हमारे जो ये कोफ्ते हैं ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, पूरे अंदर तक पक जाएंगे। तो इनको फ्राई होने देते हैं तब तक। ये देखिए दोस्तों कोफ्ते हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको अब निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और चलिए अब मसाले को हम भूनते हैं, इसको निकाल लेते पहले। ये देखिए बिल्कुल हमारे पकौड़े जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और मैंने कढ़ाई रख दी है, तब तक गर्म होती है ये, इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है, सरसों का, मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। तो ये हाफ स्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल डाला है, और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये जो मैंने अनियन कट करके रखी थी इसको भी डाल देते हैं इसमें। इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे हम, तो ये जो हमारी अनियन है ना ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और इसी तरह से हम इसको फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी अनियन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है इसको। इसमें हमने जो मसाले आपको दिखाए थे ये मसाले सारे ऐड कर देंगे। ये गरम मसाले इसको हम बाद में डालेंगे, बाकी इसमें सारे डाल देते हैं। इस तरह से, और गैस का फ्लेम स्लो करेंगे इसको भूनने के लिए, वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें बेसन ऐड करेंगे, और इसको भून लेंगे। ये देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं। ये इससे क्या होता है, जो मसाले हमारे हैं बेसन डालने से अच्छे से ये बाइंड हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा सा और भून के, ये देखिए हो गए मसाले हमारे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने, और इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हो चुका है ये, और इसमें मैंने जो टोमेटो की प्यूरी बना के रखी थी इसको डाल देते हैं इसमें। ये टोमेटो, गार्लिक और ग्रीन चिली इसमें ऐड की थी, इसको डाल देते हैं। और ये जो मैंने पानी रखा था लौकी का, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डालें या ना डालें, ऑप्शनल है ये। और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, तो इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से हमारा मसाला भून जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी निकल रहा है। इसको अच्छे से चला लेते हैं, और मैंने जो गरम मसाले रखे थे इसको मैंने नहीं डाला था, इसको अब डाल देते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, और इसके साथ डाल देंगे हम ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसको भूनना है। तो चलिए दोस्तों इसमें अब हम पानी ऐड कर देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि अभी पकना है इसको कोफ्ते में, तो थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा ही रखेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। मैंने आधा ग्लास लिया, आधा ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। इसको कवर कर देते हैं, इसमें बॉयल आने के बाद कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, और मैं सारे कोफ्ते इसमें डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं। इस तरह से कोफ्ते हमारे बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस 2 मिनट तक इसको हम कवर कर देंगे। इसको कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं। कोफ्ते को हमारे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए। और इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये मैंने बटर रखा हुआ था, थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देख लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते हमारे बन गए और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम से कट जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।